आज हम देखते हैं बहुत ही प्यार प्यारे मीम्स क्या आए हैं मार्केट में नए मीम्स। चलो, चाय सबसे ज्यादा किसको पसंद है? जोकर। तो बाबू भैया सबके चाय बनाना। नेक्स्ट, क्या कर रही हूँ? दिखती रहे चाय बना रही हूँ। नहीं मतलब चाय बना रहे ठीक है, लेकिन व्हाट इज दिस? दिख नहीं रहे चाय बना रही हूँ। दिख नहीं रहे चाय बना। व्हाट इज दिस एटीट्यूड? व्हाट इज दिस एटीट्यूड? अरे सवाल पूछा है मैंने, मैं चाय बना रही हूँ। दिख नहीं रहे चाय बना रही हूँ। ये क्या स्माइल क्या है आपका? टॉन्ट कर रही हूँ मुझे? हाँ कर रही हूँ। तो देखिए यार, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, आप तू मैं पे उतर आई। दिस इज नॉट टाइगर भाई बी लाइक आई एम होल्डिंग माय पार्ट। कह रहे तुम पहले प्रैंक कर लो, मैं तो अपना पद रोक लूं। टाइगर भाई इतना कुछ करने का क्या फायदा जब श्रद्धा के सामने तो पा दी दिया। टाइगर भाई वन ऑफ दोस बॉलीवुड एक्टर्स जो पहले ऐसे दिखते थे और अब ऐसे दिखते हैं। मैन व्हाट अ चेंज। जिम जाना पड़ेगा हमें भी और पैसे उड़ाने पड़ेंगे बहुत सारे। पैसे ही तो सारी प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम। योर फेवरेट कार्टून? माय फेवरेट कार्टून इज रणवीर सिंह। मुझे पता था। तुम्हें कैसे पता चला? अनुराग बाबा जी जी, आपको कितने हफ्ते काटने हैं यहाँ? जब तक आपकी कृपा बनी रहेगी बिग बॉस, तब तक यहीं रहेंगे। मेरे हाथ में होता तो फिर पहली बार मैंने ऐसे देखा है। इतने सारे सीजन हुए, ऑब्वियसली मैंने 2-3 ही फॉलो करे, बट मैं ट्विटर और इंस्टा पे एक्टिव हूं। देखा फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बिग बॉस इतना ज्यादा इंटरैक्ट कर रहा है, तो आई फील कहीं ना कहीं बिग बॉस टारगेट तो कर ही रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। एल्विस भाई बोल सकते हैं क्या? ये रोस्ट मोड नहीं है ब्रो। आज हमने बहुत गहरी डिस्कशंस करी हैं। हाँ सच्ची में, जिससे एल्विस को रियलाइज हो गया कि वो गलत था। बहुत लोगों को पता नहीं उस दिन क्या हुआ, तो मैं तुम्हारे को बताता हूँ। पहले एक बार पूरा देख लेते हैं। और जोहरा जबी वाली रील तो हमने बनाई, दोनों ने जोहरा जबी हरकतें तुम करो सालो, नाम हमारा लगा दो। I'll be very honest, this is not a roast, this is actually we were talking और हम एक दूसरे को अलग-अलग ऑडिट करके कर लेते हैं। हम जब बैठे तो हमने रियलाइज करा कि ठीक है, एक बैंटर था 1-on-1 हमारा। वो कुछ बोल रहा था, हम कुछ बोल रहे थे, वो कुछ बोल रहा था, फिर हम तो चुप ही हो गए थे। हमने कहा हमें नहीं बोलना, मतलब टू एंड फ्रो चल रहा था। बट जो हमने रियलाइज करा इज दैट यार, हम बिग बॉस में जितने प्यार से जितने अच्छे हम रहे ना, एकदम भाईचारा ऑन टॉप। और अगर तुम नोटिस करो बिग बॉस OTT में एक बहुत पॉजिटिव वाइब थी यार। मैं और एल्विस जैसे थे, भाईचारा ऑन टॉप था। वो हमने रियलाइज करा कि होना भी चाहिए और हमेशा आगे रहना चाहिए। तो फिर हमारी सारी भसड़े खत्म हो गई एंड नाउ वी आर बैक भाईचारा और भसड़े थी। नहीं हर सीजन में आपको बुलाएंगे। हाँ अरे वहाँ आप बोल दिए तो इन लोग को तो बुलाने पड़ेगा, कुछ भी होगा तो। हाँ हर सीजन एक बार नहीं बुलाएंगे, 4-5 बार बुलाएंगे। 4-5 बार एक सीजन में? वाओ कितने अच्छे हैं आप। लेकिन दिखाएंगे नहीं। थोड़ा दिखा दीजिएगा ठीक है, गेट के बाहर दिखाएंगे आपको। सलमान भाई ना छोड़े भाई किसी को भी। सलमान भाई ऑन टॉप। एक मंतर मारूंगा, इधर में रख दूंगा, ये कबूतर गायब हो जाएगा। तुम कह दो इसको गायब कर दूं, तुम कह दो इसका जोड़ा बना के उड़ा दूं। जोड़ा बना के उड़ा दो, बजाओ देखो इसका जोड़ा बना के उड़ा दो। ये आ गया, बोलो छोड़ दो, छोड़ दो। चर घुस, 2 बन गया, बोलो दिखा दो। 3 बना दो, 3 नॉटी हो रहा बेटे। I like it। इस तरीके से ना 2 मिनट मैं आ जाऊं क्या अपनी पे? मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। ये ओरी जो है ये कहता है मैं एक फोटो खिंचवाने का किसी के ऊपर रात का 20 से 30 लाख रुपए देता हूँ, इसको मैं 200 रुपए ना दूं। ओरी नेक्स्ट। Everyone fights. तहलका भाई भी लाइक आग लगे चाहे बस्ती में, तहलका भाई अपनी मस्ती में। सही हो रहा है, निकला या नहीं ये भाई? गलत हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? बिग बॉस ही सब कुछ है। बिग बॉस जिंदाबाद, बिग बॉस जिंदाबाद। मजा ही आ गया, क्या शो बनाया है, तहलका शो। तहलका शो है। रोहित NNN का मतलब निम्बुड़ा 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 नहीं होता है, निम्बुड़ा 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 ही होता है। खाओ माँ कसम। तो अब बहुत कूल दिखते थे। You are straight, right? I'm very straight. मतलब the most straight guy you'll meet. लग तो नहीं रहा। Bro didn't even hesitate. इस पॉडकास्ट को जब तुम देखोगे युवराज सिंह और रणवीर अलाहाबाद तुम हाथ ऐसे रख देना ताकि तुम उसको देख ना सको क्योंकि उसके एक्सप्रेशन Man was crazy in that podcast. हाँ वाकई। आपको पता है एक असली मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत से ही प्यार का इजहार करता है। सिग्मा स्पॉटेड। तो मैं आज वही करना चाहता हूँ। चेतना। ये वाला ये बहुत बार हमारी टेंडर वीडियो से भी कर चुका तो मुझे पता था जब मैं वहाँ बैठा था कि ये यही करने वाला है। नाइस नेक्स्ट। यस। कितनी इम्पोर्टेंट है क्या कॉफी आपके लिए? जी सर। नींद से भी ज्यादा। हाँ बोल रही नहीं पर उसमें कैफीन नहीं है ना पर जगह रख सकते हैं। नाइस नाइस। ये एक बात बताओ जब आप बकरी ईद के इर्द गिर्द होते हो करीब होते हो तो आप इस बकरी को ढांक लेते हो गले में जो आप टंगा के घूम रहे हो टर्टल नेक या पोलो नेक पहनकर आप ढांक लेते हो? नहीं नहीं सर वो गोट हमेशा दिखने के लिए वो हमेशा दिखता रहेगा सर। बड़ा ही कमजोर गोट है यार ये। सारी उम्र में सलमान भाई यार गलत कर रहे क्यों चल रहा भाई टारगेट कर रहा ट्विटर देखता तो मुझे पता चलता है अनुराग भाई सलमान भाई के बारे में ही कुछ बोल रहे हैं कि भाई ये बाइस्ड है। सलमान भाई कुछ अनुराग भाई के लिए बोल रहे हैं भाई इसका अलग ही कलेश चल रहा है। टारगेट हो रहे हैं क्या हो रहा है भाई पता नहीं पर सलमान भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? सलमान भाई आपने अपने YouTube की शुरुआत मिस्टर फैजू 07 को देखते हुए की थी। एकदम ये बात बिल्कुल सच है। नहीं भाई फैजू टिकटॉक बनाते थे तो मैंने कहा था मैं ये कभी नहीं करूंगा। मैं यूट्यूबर बनूंगा मैं टिकटॉकर कभी नहीं बनूंगा। तो तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। ये पता है भाई ने मेरे को एकदम मीठा रोस्ट किया। मान भी गए। मैंने सर बहुत डीप थॉट से लिखा था। बहुत डीप था। था ना देखा 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 मुनावर डिक्शनरी में उसके मतलब ढूंढ रहे हैं। मुनावर भाई कुछ अलग तो नहीं सोच रहे थे। गीगा चैट तो बिग बॉस भी है। बियर खोल देगा ब्रो अपने दांतों से। ले भाई गाजर छील दे मुंह बंद करके देखा 500 दूंगा। थोड़ा वक्त डेंटिस्ट को भी दो ब्रो। क्या क्यूटी था भाई। ये तो होना ही था। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। अगर आपके पास चांस हुआ भगवान से कोई चीज मांगने का 3 चीज तो आप क्या मांगोगे? आपको मैं 3 नहीं 4 चीज मांगूंगा। अच्छा ठीक है क्या? एक तो मेरी बढ़िया सी बॉडी बन जाए बहुत सारा पैसा आ जाए इंग्लिश बोलना सीख जाऊं और गोरा हो जाऊं। लड़की तो आप भूल ही गए। आपको लगता है इसके बाद मैं लड़की के बारे में सोचूंगा? फिर लड़की मेरे बारे में सोचे। आप इसलिए मैंने बोला आप बट भाई तो मैं भी आप क्या सोच रहा था। क्रेजी भाई छोड़ दिया। बिग बॉस में उनसे पूछा करते थे सलमान। बिग बॉस में उनसे पूछा करते थे सलमान चुप क्यों है भाई? मुंह में क्या गिर गई है जबान? किधर है भाई किधर है? घर में जब सारे लड़ते मरते हंसते रोते थे तब 100 से ज्यादा कैमरों में ये इग्नोर होते थे। अच्छा जी वेट फॉर रिप्लाई। बेटा तूने जिंदगी में उतनी गालियां नहीं दी जितनी उन्होंने चेक काटे हैं पता है। मतलब हितेन भाई के बारे में बोल रहा है मतलब उसके बारे में बोला जिसके पास माल और बाल तेरे से ज्यादा है। माल बाल दोनों तुमसे ज्यादा है। वर्ल्ड कप आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह मेरे मुताबिक जो है ना इंग्लैंड लेके जाएगा। ठीक है इंग्लैंड आपको पता है इस टाइम के 6वें 7वें नंबर पे ऑलमोस्ट। सर वैसे आपस की बात इंडिया नहीं ले जाना है। नहीं है इन पे मिर्ची मत लगाओ खाओ पियो और सो जाओ। You remember meeting? I remember meeting you, but I don't remember what you said to me. क्या बोला सर आपने? आपको वाइब क्या फील हुई? Honestly बता दो। थोड़ी सारी उम्र जिस हिसाब से आवाज दिया भाई आप पॉडकास्ट ये वाली वाइब तो लोगों को आएगी यार। मजाक कर रहा है यार। बियर बाइज सुन हम करेंगे पॉडकास्ट पर वो वाले रिएक्शन मत देना। सलमान भाई को रोनाल्डो इग्नोर करके रहे। सलमान भाई वीकेंड के बार पे इसको भी नचवा देंगे यार। वीकेंड का बार का मतलब पता क्या होता था, आओ नाचो सालो, स्टेज लग चुका है। आई मिस दैट स्टेज। एक टाइम होता था पुलिस एफआईआर दर्ज की है, पुलिस उससे पूछताछ करेगी तो पुलिस की जांच में सहयोग कर। तो मैं भी करा दूं आपके खिलाफ अभी कि भाई मेरे घर पे खड़े थे और मेरे घर में घुस गए, ये थोड़ी होता है। अंकल सैवेज है। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।